तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशेष मेटकर और आप लोग देख रहे हो विशेष मेटकर पिजन्स। तो दोस्तों देखो, ये एक बच्चा है जो मैंने कल खरीद कर लाया। मेरे पास में कोई बच्चा नहीं छोटा जिसे मैं हाथ में ट्रेन करूं, इसीलिए मैंने बाहर से ये बच्चा खरीद कर लाया है। तो इस बच्चे को हम हाथ में ट्रेन करेंगे। तो इस बच्चे का आज दूसरा दिन है और देखो ये ट्रेन तो नहीं बोलेंगे पर ये डर नहीं रहा है कि अब मेरे हाथ में बैठ रहा है, ये कुछ डर भी नहीं रहा है मुझसे और ये काफ़ी अच्छी तरह से मेरे साथ रह रहा है। देखो डर नहीं रहा है, अगर आप इसे खाने में बैठाते हो तो ये खाने में बैठता है। तब ट्रेनिंग का दूसरा ही दिन है और कबूतर काफ़ी ज़्यादा हद तक कि मेरे साथ फ्रेंडली हो चुका है। तो इसके लिए मैंने वो वहाँ पर चने भिगाए जहाँ चना देखा। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे चने भिगाए, तो ये चने खाता है, मतलब तो खुद से नहीं खाता, इसे मैं हैंड फीडिंग करूँगा। और इसका मुझे नाम क्या रखना चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इसका नाम। तो एक वीडियो मैं बनाऊँगा, गांव के लोगों से पूछूँगा, मतलब मेरे दोस्तों से पूछूँगा गांव के, तो इसका नाम क्या रखूँ, तो उनके हिसाब से मुझे जो सही लगा मैं वो रख लूँगा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं इसका नाम क्या रखूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो देखो ये कबूतर सही है, इसका कलर भी सही लगा मुझे, कल दूमा है और गले पे थोड़े थोड़े ब्लैक निशान जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन पार्ट वन। देखो मैं ये इधर देखो बताइए। तो दोस्तों अगर आप कबूतर को ट्रेन करोगे तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। तो दिन भर से बहुत बारिश ने आँगों पर ये कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट, तो देखो कबूतर मुझसे कुछ भी डरता नहीं है। तो आगे मैं इसके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसकी क्या हरकत कर रहा है ये। तो आगे एक वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और एक प्यारा कमेंट कर दो इसका नाम क्या रखो करके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले व्लॉग में, आपको कुछ अलग बताऊँगा।